भैयूजी महाराज का मुख्य सेवादार विनायक महाराज को जोर प्रेस दवा का 3 गुना डोज देता था। इस कारण महाराज 3 दिन में नहीं उठते थे। इस कारण महाराज 3 दिन तक नहीं उठ पाते थे। इस दौरान महाराज और पलक के कई अश्लील फोटो मिल गए और उन फोटो के बल पर पलक और सेवादार उनको ब्लैकमेल करने लगे। इस कारण महाराज मानसिक रूप से बीमार हो गए। इस तनाव में महाराज ने आत्महत्या कर ली। भैयू जी महाराज आत्महत्या मामले में 2 देवदार और 1 युवती को गिरफ्तार होने के बाद महाराज की आत्महत्या से संबंधित रहस्य खुलने लगे हैं। इनकी गिरफ्तारी महाराज की पत्नी आयुषी की जानकारी के आधार पर हुई है। आयुषी ने आरोप लगाया कि ये तीनों भैयू महाराज को जाल में फंसा कर उनका शोषण कर रहे थे। उनके षड्यंत्र में उलझकर महाराज ने आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। इससे मिली जानकारी के अनुसार पलक ने भैयू महाराज को ब्लैकमेल करने की साजिश 2 साल पहले रची थी। आत्महत्या से पहले पलक और दोनों सेवादार उन पर दबाव बनाए हुए थे। पलक को शुक्रवार को CASP आजाद नगर पल्लवी शुक्ला ने थाना बुलाकर गिरफ्तार किया। इसके बाद तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। तीनों को जेल भेजा गया है। इस मामले की जांच कर रहे DIG हरि नारायण चारी मिश्रा ने बताया कि महाराज की पहली पत्नी के निधन के बाद पलक केयर टेकर के तौर पर उनके जीवन में आई थी। उनके भैयू के अकेलेपन का फायदा उठाकर उससे प्रेम प्रसंग बनाए थे। फिर उनके बेडरूम में भी रहने लगी थी। भैया महाराज की शादी आयुषी के साथ 17 अप्रैल 2017 को हुई। तब पलक ने महाराज पर 1 वर्ष के भीतर शादी करने का दबाव बनाया। खुद ही महाराज के साथ शादी की तारीख तय कर ली और धमकी दी कि मुझसे शादी नहीं करोगे तो शनि दाती के जैसा बुरा हाल मैं खुद तेरा करूंगी। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले